अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक जो आपने देख लिया माशाल्लाह, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है कबूतर एक साथ तीन या चार अंडे सेक सकते हैं, बच्चे निकाल के पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको आज की वीडियो में ज़रूर बताएंगे और पूरा टेक्निकली पूरा सब कुछ डिटेल में बताएंगे, कबूतर पाल सकते हैं या आपकी हेल्प लगेगी या क्या क्या कुछ होगा। तो चले दोस्तों आपका सब कुछ जो है ना वीडियो में शुरू करते हैं। साथ ही मैंने भी अपने कबूतरों पर भी ट्राई किया हुआ, बल्कि अपने कबूतरों को भी बिठाया हुआ तीन अंडों पर। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको जो है ना डे बाय डे वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लें और इंशाल्लाह जो है इसके आगे बच्चे निकलेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल जो है दोस्तों कबूतरों को जो है ना दाना डालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जो है ना तीन कबूतर मतलब के ना तीन अंडों में से कबूतर एक साथ अंडे बच्चे निकाल के पाल सकता है या चार में से पाल सकता है या नहीं। अभी तो फिलहाल इनको दाना डालते हैं क्योंकि अपने कबूतरों को दोस्तों बहुत भूख लगी थी और जो है ना दोस्तों कल फ्लैश लाइट नहीं ऑन हो सकी, जिस वजह से जो है ना मैं आपको शौक नहीं करवा सका पूरा अपने जो है ना इसका क्या नाम है ये जो कबूतरों के लिए नेस्टिंग बॉक्स बनाया था। और आज इंशाल्लाह दोस्तों आपका पूरा शौक करवाएंगे। ये देखें दोस्तों ये हमारा नेस्टिंग बॉक्स, आपको थोड़ा करीब से भी दिखाएंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं माशाल्लाह दोस्तों। मैं जरा दोस्तों ये लाइट चलाऊँ फिर आपको दिखा। तो फाइनली दोस्तों लाइट वगैरह जो मैंने चला लिया है यहाँ पे माशाल्लाह, हमारे रैबिट्स देखे दोस्तों कितने क्यूट लग रहे हैं खाना खाते हुए माशाल्लाह। दोस्तों ये जोड़ा दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दिया ठीक है, और इसके बच्चे जो है मैंने कल की वीडियो में भी शायद आपको बताया होगा मैंने उधर कर दिए थे। तो माशाल्लाह दोस्तों आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि रैबिट ये कब तक जो है कितने महीनों तक बच्चे वगैरह देंगे, तो अभी मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कब तक देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये दाना वगैरह खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों कल की वीडियो में इंशाल्लाह दोस्तों आपको ये जो है ना छत की सफाई मुकम्मल तरीके से आपको दिखाएंगे और करेंगे खुद इंशाल्लाह। पहले भी दोस्तों खुद ही कर रहे थे, ये नहीं कि किसी और को कहते थे, खुद ही करते हैं और खुद ही इंशाल्लाह करेंगे दोबारा से। तो अभी जो है चलते हैं अंदर, आपको चल के जो है ना लाइट ऑन करके आप पूरा डिटेल दिखाते हैं, क्योंकि पहले लाइट बंद थी तो दोस्तों नज़र नहीं था इतना खास आ रहा। आप देखिए लाइट चलाता हूँ ना तो फिर जो है ना बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आएगा आपको। चले दोस्तों चला दिया जी लाइट, अब देखे दोस्तों कितना साफ सुथरा आपको नजर आएगा। दोस्तों ये देखे एक इतना दोस्तों माशाल्लाह खाना है, और जो है ना ये देखे दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, और जो है माशाल्लाह ये देखे। तो ये देखे दोस्तों मैंने अपने कबूतरों के पास भी जो है ना तीन अंडे रखे हैं और एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हैं कि ये बच्चे वगैरह निकालते हैं या नहीं निकालते। तो आपको जो है इंशाल्लाह दोस्तों कुछ दिनों तक बता देंगे कि ये एक्सपेरिमेंट वाला कामयाब होता है या नहीं होता, क्योंकि कुछ दिन ही रह गए यहाँ पे बच्चे वगैरह निकलने हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह दोस्तों नेस्टिंग बॉक्स बनाए हुए हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहला दोस्तों, ये दूसरा हो गया ठीक है, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया ठीक है ना, ये पाँचवा, ये और ये छःवा ठीक हो गया, सात और ये आठ। माशाल्लाह दोस्तों टोटल आठ बॉक्स है नेस्ट, तो जो है ना जिनमें से जानवर के लिए है माशाल्लाह। तो ये देखे माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पे भी अंडे, दोस्तों इधर का भी दोस्तों पता नहीं अब कितने दिनों में जो है बच्चे वगैरह निकालते हैं। तो खैर दोस्तों पिंजरे की हालत जो काफ़ी ख़राब हुई है, इंशाल्लाह कल की वीडियो में इंशाल्लाह दोस्तों इनकी जो है सफाई वगैरह करनी की जिसकी। तो जो आपने वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों वहाँ पे तो अंडे दिए थे फीमेल ने, तो जो है ना वहाँ पे अंडे वगैरह मैंने उठा के जो है ना इधर आ दिया, मैंने कहा चलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं कि क्या ये असली होता है, अंडे वगैरह निकलते हैं निकल, मुझे खुद नहीं पता दोस्तों क्योंकि आज तक दोस्तों मैंने अपने कबूतरों के नीचे नहीं देखा। पर ये कन्फर्म है दोस्तों कि जो हमारे साथ वाले केज में मेल है ना मोटा था, मतलब कि वो उम्र नस्ल का, उसके नीचे अगर दोस्तों आप चार भी अंडे रखते हैं ना उसकी फीमेल उसकी तरह की हो, तो मैं कहता हूँ दोस्तों चार के चार बच्चे निकालेगा भी और चारों के चारों बच्चे पाल भी लेगा, इतना मुझे पक्का पता है। क्योंकि दोस्तों वो जरा आपको पता है हेल्दी सी है और जो है ना अच्छे जो होते हैं ना वो अच्छी नस्ल के होते हैं, ऊपर से जो है ना ये बच्चों की केयर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब इसने माशाल्लाह तीन बच्चे दिए हैं और तीनों ही जो ऐसी केज में माशाल्लाह, ये देखें एक तो मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखें एक ये है पीछे ये दाना खा रहा है, ये देखें इसका सर, और दूसरा जो है ये कांगिया ये भी था, एक ये हो गया एक, हाँ जी एक ही है, ये देखें एक पीछे है ब्राउन सा, एक ये है और एक जो है ये साथ ही जो है इनके साथ अंदर ही लगा है खाना खुना खाने। तो दोस्तों कहने का मतलब मकसद ये नहीं कि जो बड़ी अच्छी है, ये दोस्तों बच्चे जो है ना बड़े अच्छे पालते हैं, इन्होंने शुरू से मुझे बड़ा अच्छा जो है ना मैंने चेक किया और इन्होंने बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तो माशाल्लाह ये बच्चे देख रहे हैं और ये कैल्शियम देख रहे हैं दोस्तों, ये बच्चा जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन ये बच्चा देख लें इतना था ये बच्चा कि जो भी पला कहाँ गया, ये अब मैं दिखाता हूँ आपको वो घुसा है, ये देखें ये रहा, ये देखें ये
ये आया होगा आपके अंदर बच्चा। ये दोस्तों कैल्शियम खा खा के जो है ना हमारा काफी हद तक जो है ग्रोथ किया और काफी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो माशाल्लाह दोस्तों कहने का मकसद ये है, एक्सपेरिमेंट आप कर लिया कबूतरों का यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपको वहाँ के अंडों को बताया जितना कि फीमेल ने हमारी दिए थे दोस्तों, तो अब जो है उसने फीमेल छोड़ दिया। इसका अभी कुछ पता नहीं दोस्तों कि कब तक ये बच्चे निकालता है। और यहाँ पे देखे 3 अंडे पड़े हुए हैं और अब दोस्तों जल्दी जो आपको दिखाएंगे कि बच्चे कब अंडे कब ये देते निकालते कब है बच्चे। तो आपने वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो हमने अंडे रख दिए, आप देखते हैं दोस्तों कब तक जो है ना बच्चे निकलते हैं। तो अभी देख लिया, अभी आपके सामने रख दिया, ये देखे ये फीमेल के अंडे नहीं है, फिर भी जो है ना बदमाशी करती है, जरा के बच्चों के साथ झड़प वगैरह करती है कि छोड़ो जी मेरे अंडे, मैंने बैठना बैठ जाती है। और अब जो आइए दोस्तों टाइम आ गया कि हम ये जो है ना उठा दें, ताकि जो है ना जानवर अपना जो है ना दाना इधर आ गया सारा उठा लें। चले ये पीछे कर देते हैं ताकि जो है दोस्तों इसमें बिठे ना करें, क्योंकि दूसरे टाइम पे जो है ना इनको रोटी वगैरह डालनी होती है तो फिर उसमें बिठे वगैरह हो जाती है। लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी लाइट का कोई काम नहीं है। बच्चा शायद मैंने आपको दिखाना भूल गया, आप दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह दोस्तों बेबी इतना जो अच्छा है। और माशाल्लाह दोस्तों अभी ये फीमेल के साथ जोड़ा लगा हुआ था, आप देखते हैं कैसा बच्चा निकलता है। अगर आगे दोस्तों इसका जोड़ा इंशाल्लाह जरूर बदलूंगा मैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा फीमेल लगती है, तो मैंने कहा चले जोड़ा बदल के चेक करेंगे। तो खैर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो जो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो अभी कुछ साइड पर करते हैं और बाहर चलते हैं हम भी। वही हटो हटो बाहर, मुर्गियाँ भूखी बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने जो दाना डाल दिया, डब्बा बाहर निकालते हैं, अभी ये खा लें फारी हैं अभी। तो खैर दोस्तों मैंने कहा चले एक्सपेरिमेंट शेयर करती हैं, आपको बताएंगे भी इंशाल्लाह। ये नहीं कि दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, आगे आगे चल के आपको खुद ही नजर आ जाएगा बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते, एक्सपेरिमेंट सही है कि नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी कल ही दीजिए, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।